दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद रानी मंदोदरी का क्या हुआ? क्या रानी मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह किया था या फिर नहीं? मंदोदरी लंका की महारानी और रावण की प्रमुख पत्नी थी। वह एक ऐसी महिला थी जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का आदित्य संगम थी। मंदोदरी के जीवन यात्रा में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उन्हें एक रहस्यमय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनाते हैं। उनकी कहानी केवल एक रानी की ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में कई अनकहे और अनसुने रहस्यों को समेटे रखा। यह सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फिर चलिए विस्तार से जानते हैं मंदोदरी के जीवन से जुड़े 13 ऐसे तथ्य जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा नॉलेजबल कंटेंट ही मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, दोस्तों, माता सीता के बाद संपूर्ण रामायण में मंदोदरी दूसरी सबसे सुंदर महिला थी। जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। तदंतर रावण के महल में हनुमान जी ने सुंदर रूप वाली मंदोदरी को पलंग पर लेटे हुए देखा। हनुमान जी ने उस अलंकृत नारी को देखा और तर्क किया कि सौंदर्य और यौवन के संपदा से भरपूर यह देवी सीता ही हो सकती हैं। उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता माता हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो अति प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। माता सीता जी जहाँ भी होंगी वो श्री राम जी से दूर होने की वजह से दुखी ही होंगी। इस वृत्तांत से ज्ञात होता है कि मंदोदरी रानी अति सुंदर स्त्री थी। नंबर 2, मंदोदरी हेमा नामक एक अप्सरा की पुत्री थी। उनके पिता मायासुर थे, जो असुरों में एक प्रतिभाशाली वास्तुकार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक मदुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव जी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। तब देवी पार्वती ने क्रोध में आकर मदुरा को श्राप दिया कि उसको 12 वर्षों तक एक मेढकी बनकर कुएं के अंदर रहना होगा, और कहा कि इसने अगर 12 वर्षों तक घोर तप किया तब उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मदुरा ने 12 वर्षों तक उस कुएं में रहकर मेढक रूप में घोर तप किया। उधर असुरों के राजा मायासुर और हेमा अप्सरा के 2 पुत्र थे, लेकिन वह एक बेटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेटी के प्राप्ति के लिए घोर तप किया। जब वह दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब इसी बीच मदुरा की 12 साल की कठोर तपस्या समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मदुरा की तपस्या पूर्ण हुई वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी, लोगों को पुकारने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही बैठे तपस्या कर रहे थे उन्होंने मदुरा की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया, और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी छरहरी काया के कारण उसका नाम मंदोदरी रखा। नंबर 3, एक समय रावण मायासुर के नगरी में पहुंचा। वहां मंदोदरी को देखते ही उस पर मोहित हो गया और वही उसने मायासुर से कहा कि वह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। रावण एक शक्तिशाली शासक था। राक्षस मायासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण के उसके पराक्रम से डर के रही भेंट कर दिया था। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि जोधपुर से सटा मंडोर शहर मंदोदरी का मूल स्थान है, और उन्होंने यानी कि मंदोदरी ने और लंका पति रावण ने
इसी स्थान पर एक दूसरे के साथ विवाह किया था। नंबर 5, मंदोदरी रावण की प्रमुख रानी थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। रावण की लगभग 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी भी जगह रामायण में उन सभी पत्नियों में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है। रावण की पत्नी का मंदोदरी की तरह प्रमुखता से और बार बार उल्लेख और पत्नियों का नहीं मिलता। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ रानी मंदोदरी को ही थी। कहा जाता है कि मंदोदरी रावण की सबसे चहेती पत्नी थी। नंबर 6, रामायण में उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी के 2 पुत्र थे, मेघनाथ और अक्षय कुमार। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ, और वही उनके दूसरे पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के द्वारा हुआ था। नंबर 7, 5 तत्वों में रानी मंदोदरी को जल के समान माना जाता है, जो सतह पर अशांत और गहराई में अपने आध्यात्मिक पोज में है। नंबर 8, अत्यंत बुद्धिमान और विदुषी मंदोदरी ने वेदों और शास्त्रों और विभिन्न कलाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था कि रावण भी उनसे परामर्श लेता था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी बहुत ही ज्ञानी महिला थी। नंबर 9, दुष्ट रावण माता सीता का वध करना चाहता था, लेकिन वह मंदोदरी ही थी जिसने रावण को इस पाप से रोका था। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 58 के अनुसार एक बार रावण देवी सीता के पास आकर बोला, सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रावण की यह बात सुनकर सीता जी बोली, नीच निशाचर, तुझ में क्या पराक्रम है? जब मेरे पति मेरे निकट नहीं थे तब तू मुझे हर लाया है। तू भगवान श्री राम की समांतर नहीं कर सकता, तू तो उनके दास होने के योग्य भी नहीं है। सीता जी की ऐसी कठोर बातें सुनकर रावण आग बबूला हो गया और अपना दाहिना हाथ उठाकर सीता जी को मारने का मन बना लिया। यह देखकर मंदोदरी ने रावण को रोका और रावण से कहा, राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ श्रवण करो, सीता मुझसे अधिक सुंदर नहीं है। तब मंदोदरी उन्हें महल के अंदर ले गई और इस तरह मंदोदरी ने सीता जी के प्राणों की रक्षा की। नंबर 10, दोस्तों, रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि रानी मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे और श्री राम के शरण में चला जाए। मंदोदरी भगवान विष्णु के बल से अच्छी तरह से परिचित थी और वह भगवान श्री राम को दिव्य और धर्म परायण मानती थी। मंदोदरी ने लंका के विनाश होने से पहले रावण को श्री राम से संधि करने की सलाह दी थी, जिसे रावण ने अस्वीकार कर दिया था। रानी मंदोदरी ने रावण को ही नहीं बल्कि अपने पुत्र मेघनाथ को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें भी असफल रही। पुत्र और भाई का वध हो जाने पर भी राजरानी मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी और पूरा लंका का सर्वनाश करा दिया। नंबर 11, मंदोदरी की गणना स्मरणीय पंच कन्याओं में की जाती है। पंच कन्या वह 5 कन्याएं हैं जिनका हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष स्थान है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह 5 कन्याएं विवाहित होने के बावजूद भी पूजा के योग्य मानी गई हैं। 5 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और रानी मंदोदरी। नंबर 12, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद उसके कुल से केवल विभीषण और कुछ कुल की महिलाएं विधवा बची हुई थी। युद्ध के पश्चात अन्य विधवाओं के साथ मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई। वह अपने पति और पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती है,
इसके बारे में रामायण में एक पूरा अध्याय है, किंतु इसके बाद मंदोदरी का क्या होता है वाल्मीकि रामायण पर इस पर कुछ भी नहीं बताया गया है। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। नंबर 13, मंदोदरी का विभीषण से विवाह। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि रावण के वध के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था कि नहीं, लेकिन अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से विभीषण के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर विभीषण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ऐसी पतिव्रता पत्नी का अन्य पुरुष के साथ विवाह करना मात्र एक किंवदंती ही प्रतीत होता है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।